2024 के लिए अभी से शाह डोभाल की बम्पर तैयारी। मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने की बारी। 2019 की हारी हुई सीटों पर भगवा फहराने का रोडमैप तैयार। विपक्ष पर होने वाला है चारों तरफ से अदृश्य प्रहार। जी बिल्कुल सही सुना आपने, साल 2022 में मिशन 2024 की जीत का ब्लूप्रिंट भाजपा अमित शाह ने अभी से तैयार कर लिया है और इस ब्लूप्रिंट को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी चुनावी एक्शन मोड में भी आ गई है। लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का समय बचा है, ऐसे में उससे पहले अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने अभी से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इसका सबूत ये है कि हाल ही में बाजार में एक किताब लॉन्च की गई है, मोदी एट 20 सपने हुए साकार। इस किताब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देश के 22 हस्तियों ने मोदी के 20 सालों के कामों का जिक्र किया है। किताब में बताया गया कि किस तरह से मोदी ने 1500 भारतीय सैनिकों को चीनी सेना से छुड़वाया, कैसे नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी के बाद लोग तबाह हुए एक शहर को फिर से बनाने की तैयारी में जुट गए। बीजेपी इस किताब को चुनाव में जीत के लिए हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी एट 20 कार्यक्रम के प्रदेश समन्वयक और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी का कहना है कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने देश के लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ा, ठीक उसी तरह पीएम मोदी देश के विकास में आम लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं। यही बात लेकर हम भारत के हर एक नागरिक के पास जा रहे हैं। इस किताब में मोदी से जुड़े कई ऐसे रोचक और हैरान कर देने वाले किस्से भी लिखे हैं जिसके बारे में आज तक किसी को पता भी नहीं था कि मोदी ने ये काम भी पूरे किए हैं। अब भाजपा सरकार इस किताब को हर वर्ग जाति के पास लेकर जाने की मुहिम चला रही है और मोदी के हर काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। साथ ही साथ ये भी दर्शाती जा रही है कि कैसे इतने सालों के बाद भी मोदी मैजिक खत्म नहीं हुआ बल्कि जंगल में आग की तरह फैलता जा रहा है। इसी के साथ साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के युवाओं के बीच नवंबर तक कम से कम इस किताब को लेकर 20 से ज्यादा इवेंट्स कराने की तैयारी भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मिली जिम्मेदारी। अब तक जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर में इवेंट्स हो चुके हैं, बाकी जिलों में भी कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं अब तक राजस्थान में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, अजय भट्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी जैसे बड़े बड़े नेता भी इस किताब को लेकर प्रचार और प्रसार में जुट गए हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फोकस जिस तरह से महात्मा गांधी को आजादी के आंदोलन की वजह से माना जाता है, उसी तरह से भाजपा इस किताब के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि बनाने में जुट गई है। वहीं राजस्थान सहित अगले 2 सालों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर यह अभियान शुरू किया गया है। पार्टी की कोशिश तो यही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 20 साल में जो बड़े बड़े काम किए हैं उनको देश के लोगों के बीच नवंबर तक पहुंचाकर माहौल तैयार किया जाए जिससे बीजेपी को फिर से प्रचंड जीत हासिल हो सके। ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि 2024 में फिर से भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।